हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुरॉकेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इन सोशल साइंस, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, असेसमेंट की स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में, प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट कैसे उसको प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद ICT का क्या यूज़ है हमारी असेसमेंट और इवेल्यूएशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इन सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन सोशल साइंस में क्या पर्पस होता है करने का, वो चीज़ें, फॉर्म ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन जिसके चार टाइप हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव। उसके बाद असेसमेंट ऑफ स्कॉलिस्टिक और कॉस्कलिस्टिक एबिलिटी, असेसमेंट स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ करने वाले हम सोशल साइंस में, जिसमें CCE आएगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन आएगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ग्रुप असेसमेंट, पोर्टफोलियो असेसमेंट और ओपन बुक एग्जामिनेशन। फिर प्रिपरेशन कैसे करनी है अचीवमेंट टेस्ट की, होता क्या है, कंटेंट एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, राइटिंग एसे टाइप आइटम, शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ ICT इन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इन सोशल साइंस, देन सम अप, रेफरेंसेस, आंसर्स टू चेक योर प्रोग्रेस। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, असेसमेंट और इवेल्यूएशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, बट फिलहाल यहाँ पे हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। अगर बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की, तो सोशल साइंस टीचिंग लर्निंग में ये एम्फिसाइज करती है कि असेसमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, और यही असेसमेंट हम स्टूडेंट लर्निंग को एनहेंस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे फोकस किया जाता था कि हमने लर्निंग क्या की है, जो भी की है उसका हमें असेसमेंट करना है, जबकि अब जो है वो शिफ्ट होकर असेसमेंट फॉर लर्निंग, ताकि इसलिए असेस किया जाए कि बच्चे जो कमी आ रही है वो किस वजह से आ रही है और अच्छे से लर्निंग कैसे करें। तो देखिए, काफ़ी सारी टाइप्स की असेसमेंट होती है और उनका जो यूज़ है स्कॉलिस्टिक और कॉस्कलिस्टिक एबिलिटी ऑफ लर्नर को चेक करने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ जैसे CCE हो गया, और पोर्टफोलियो, यूज़ ऑफ पोर्टफोलियो, ई पोर्टफोलियो क्या होता है, एंड पीयर और ग्रुप असेसमेंट, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एक्सप्लेन करना पर्पस ऑफ असेसमेंट और इवेल्यूएशन सोशल साइंस में, चारों जो हमने इवेल्यूएशन की बात की है उनमें डिस्टिंग्विश, डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ असेसिंग स्कॉलिस्टिक और कॉस्कलिस्टिक एबिलिटी, एनालाइज करना है प्रोसेस एंड यूज ऑफ वेरियस मेथड ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन, डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, प्रिपेयर करना है अचीवमेंट टेस्ट फॉर असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर्स इन सोशल साइंस, और लास्ट में एक्वेंट योर सेल्फ विद यूजिंग ICT इन असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन इन सोशल साइंस। ICT का यूज़ हर जगह हो रहा है और डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तो ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, असेसमेंट इवेल्यूएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हमने देखा है। असेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने क्या लर्न किया है उसको असेस करो, जबकि लर्निंग को बेटर करने के लिए भी, एनहेंस करने के लिए भी हम असेसमेंट का यूज़ करते हैं। असेसमेंट को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना ही चाहिए, इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, एक टूल है फॉर कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। देखिए, अगेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया हुआ है असेसमेंट का क्या है, टू इंश्योर दैट कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो भी हमने फॉर्मुलेटेड किए हैं, यानी जो टीचर फॉर्मुलेट करती है, वो अचीव हो चुके हों, इसीलिए भी असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट यहाँ पर देखिए, दो पर्पस हैं असेसमेंट को करने के। पहला है असेसमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस, और दूसरा है असेसमेंट फॉर इवेल्यूएशन फॉर सर्टिफिकेशन। तो हम देखेंगे इंस्ट्रक्शनल पर्पस। इंस्ट्रक्शनल पर्पस का मतलब क्या है कि बच्चे की इंडिविजुअल नीड को देखते हुए जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसका असेसमेंट करना, क्या डिफ़िकल्टीज़ उसने कैरी की हैं और वे टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी। देखिए, काफ़ी चैलेंजिंग होता है एक टीचर के लिए असेसमेंट को करना, और जो भी है असेसमेंट पूरा करने के लिए टीचर को इम्प्लीमेंट करना CCE यानी कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक टीचर जो है वो क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन दोनों को कैरी करना, मतलब उसके लिए मस्ट हो जाता है, जैसे कि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स अपनाना, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड असेसमेंट लाइक पीयर डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, इंक्वायरी बेस्ड मेथड्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग अप्रोच हो गई, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया वेरियस कॉम्प्लेक्स थीम का, डिबेट डिस्कशन, पोर्टफोलियो, ये सब करना ताकि ऑन वेरियस कंटेम्प्रेरी इशूज, ताकि हम इनको रिजॉल्व कर पाएँ। कंटेम्प्रेरी इशूज होते हैं फ्रेंड्स जो करंटली अफेक्ट कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, उनको रिजॉल्व करना, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है वो वैसे किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो, तो इन सब का ध्यान रखना, दैट इज असेसमेंट फॉर इंस्ट्रक्शनल पर्पस। अब हम देखते हैं असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन फॉर सर्टिफिकेशन। ऐसा असेसमेंट जो सर्टिफिकेशन के लिए मेनली किया जाता है, जैसे समेटिव इवेल्यूएशन हमारे होते हैं जो पीरियडिकली लिए जाते हैं, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या फिर टर्म के एंड में, जो हम एनुअली भी कैरी आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टर्म एंड एग्जामिनेशन और सेमेस्टर वाले एग्जामिनेशन, ये जानने के लिए कि बच्चे ने कितना
क्या लेवल अचीव किया है, उसके बिहेवियर का क्या लेवल वो अचीव कर पाया है, इस सब का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी असेसमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन फॉर सर्टिफिकेशन. बोथ द कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्यूएशन एंड टर्मिनल इवेल्यूएशन कॉन्ट्रीब्यूट सब्सटैंशियली टू द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर. तो ये मेन दो जो है इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं. देखिए जो पहला है इंस्ट्रक्शनल के लिए, उसमें हम आप FA1, FA2, FA3, FA4 ले सकते हो, जबकि जो सर्टिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करते हैं उसमें SA1 और SA2 भी कैरी कर सकते हो, और जो टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं वो भी इसका एग्जाम्पल आ सकता है. तो अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन. देखिए टीचर जो है अलग अलग टाइप की असेसमेंट एंड इवेल्यूएशन जो है यूज करती है. टीचर नीड टू असेस लर्नर परफॉर्मेंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव. ही और शी असेस द स्कॉलिस्टिक एंड कॉस्कोलिस्टिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर. तो फोर टाइप्स के हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक एंड समेटिव. देखिए कुछ असेसमेंट ऐसे होती है जो बिफोर द लर्निंग होती है या बिफोर द इंस्ट्रक्शनल पर्पस होती है, कुछ होती हैं जो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती हैं, और कुछ होती हैं जो आफ्टर इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती हैं. ये जो चार टाइप आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स, इनमें से जो पहला है यानी प्लेसमेंट, प्लेसमेंट जो है वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के पहले होती है, जबकि अगर हम बात करें फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक की तो वो ड्यूरिंग होती है, और अगर समेटिव की बात करें तो वो आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होती है. होती क्या है, कैसे हैं, ये सब हम देखते हैं. फ्रेंड्स बात करते हैं प्लेसमेंट इवेल्यूएशन की. प्लेसमेंट इवेल्यूएशन जो है बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होता है. देखिए कोई भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो क्लास में हो रही है उसके शुरू होने से पहले ही हम ये इवेल्यूएशन करते हैं कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो क्या है, जबकि दूसरा हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं कि जो भी हम नई नॉलेज बच्चे को देना चाहते हैं पहले जितनी भी रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन है, क्या वो उसको पता है, मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या उसको पता है, मतलब ये बताता है कि वेदर द लर्नर इज एबल टू एक्वायर द न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस विच इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस नॉलेज. तो फ्रेंड्स हर इवेल्यूएशन के लिए ये कीवर्ड डिफाइन करते हैं. तो यहाँ जो है प्लेसमेंट इवेल्यूएशन के लिए उन्होंने कीवर्ड डिफाइन किया है एंट्री बिहेवियर. तो बिफोर टीचिंग अ न्यू टॉपिक टीचर को ये पता होना चाहिए कि उसके बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है, जिससे वो टीचर जो है टीचिंग लर्निंग को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर. अगर बात करें हम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन की, तो फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस होता है. इसको मास्टरी कंटेंट को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1967 माइकल स्क्रिवन ने यूज़ किया था इस कॉन्सेप्ट को. उन्होंने ये भी बोला था फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन जो है वो टिपिकली कंडक्ट होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ ए प्रोग्राम या फिर कोई भी प्रोडक्ट. जरूरी है सिर्फ प्रोग्राम की हम बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट की भी है. एंड इट इज़ कंडक्टेड मोर ऑफन मोर देन वंस. एक से ज्यादा बार भी हम इसे कंडक्ट कर सकते हैं फॉर इन हाउस स्टाफ ऑफ प्रोग्राम विद द एक्सटेंट टू इम्प्रूव. लेकिन इसका मेन एम यही होता है कि हमें जो है लर्निंग को इम्प्रूव कराना है फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के थ्रू. और इससे हम ये भी पता लगाते हैं कि जो लर्निंग प्रोग्रेस है किसी भी लर्नर की, उसको मतलब कहाँ तक अभी अचीव किया गया है, और उसको मॉनिटरिंग करते हैं. फ्रेंड्स इसका कीवर्ड जो है मास्टरी ऑफ लर्निंग, और दूसरा यह है लर्निंग प्रोसेस. हर एक का कीवर्ड है, तो यहाँ यह है मास्टरी ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ये सेकेंड स्टेज होती है असेसमेंट की. ये फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड जो कोर्स का एंड है तब तक चलती है. जैसे ही आप फर्स्ट जो असेसमेंट है प्लेसमेंट फॉर इवेल्यूएशन वो करते हैं, उसके बाद से ये कैरी आउट हो जाती है. एग्जांपल अगर हम देखें फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन का, तो जो रेगुलर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक टीचर करती है वो भी इसी के अंदर आता है, क्योंकि वो बिगनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन से लेकर एंड ऑफ द कोर्स तक कंटिन्यू रहता है. उसके बाद जैसे मंथली टेस्ट हो गए, क्वार्टरली एग्जामिनेशन हो गए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गए, ये सब इसी के अंदर आते हैं. ये टीचर को फीडबैक प्रोवाइड करता है अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ लर्नर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि उसने कितना अचीव किया है अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को. और ये इसलिए भी होता है ताकि हम एक प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को पता लगा पाएं. तो फ्रेंड्स ये मोर पॉपुलर है इन द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग, और ये किसी भी लर्नर को लर्निंग अचीव करने में काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करता है. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं किसी भी लर्नर की कंटिन्यूअस डेवलपमेंट वाली नीड को. तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक इंटीग्रल पार्ट होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन का. ये प्रोवाइड करता है डेटा फॉर डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन. अब हम देखते हैं ये डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है. तो फ्रेंड्स डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की अगर हम बात करें, तो इसको एक पर्टिकुलर जो कीवर्ड डिफाइन किया है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज. तो फ्रेंड डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन को कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. ये कैरी आउट किया जाता है बेस्ड ऑन द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन. तो जो भी फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन से आपको डेटा मिलता है उसी के बेस पर हम इसको यूज़ करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये पाया गया है कि अगर एक लर्नर को कॉन्सेप्ट सोशल साइंस में कॉन्सेप्ट अच्छा समझ नहीं आ रहा अच्छी तरीके से, या फिर रेगुलरली वो एक पुअर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो टीचर जो है उसके पीछे उसका रीज़न फाइंड आउट करेगी, उसका कोर्स फाइंड आउट करेगी, और कोई भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट या रेमेडियल सजेशन जो है वो कंडक्ट करेगी जिससे जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम को रिमूव किया जा सके. तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन जो होता है सिर्फ लर्निंग डिफिकल्टीज को सॉल्व नहीं करता, बल्कि एक रेमेडियल सजेशन भी एक पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए प्रोवाइड करता है. फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है. एक स्टूडेंट था, काफ़ी ब्रिलियंट था, लेकिन कंटिन्यूस वे में क्लास में मतलब वो उसके
ग्रेजुअली मार्क्स कम होते गए. तो टीचर ट्राइज टू फाइंड आउट द कोज बिहाइंड दिस. तो उसने देखा कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसके हाई मार्क्स थे लेकिन अब वो कंटिन्यूअसली 33 पर आ चुका है. तो उसने क्या किया, एक जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है उसको कंडक्ट किया. उसकी पहले तो प्रॉब्लम जानने की कोशिश की. तो उसने उससे पर्टिकुलरली इंटरव्यू किया, उसके पेरेंट्स के बारे में जाना, उनसे भी मिलकर बच्चे के बारे में जाना, पीयर ग्रुप से भी प्रॉब्लम को डिस्कस किया और पर्सनली उस बच्चे के पास जाकर उसके सारे नोटबुक्स, होम टास्क सब कुछ चेक किया. तो उसने ये पाया कि जो बच्चा है उसका नाम देखिए सौरभ है, वो सोशल साइंस सब्जेक्ट में अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट में. तो टीचर ने एक नेगेटिव एटीट्यूड जो है उसका एक सोशल साइंस की तरफ पाया और उसने पाया कि उसके लिए ये सोशल साइंस एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. तो उसने एक अच्छा तालमेल, गुड रैपर्ट स्टूडेंट के साथ बनाया, समझाया कि सोशल साइंस जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है. तो काफ़ी टाइम के बाद बच्चे ने धीरे 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 वही अचीवमेंट, वही मार्क्स, वही पोजीशन पाई जो वो स्टार्टिंग में रखता था. तो इस टाइप का जो है वो पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट अरेंज किया और फिर एक रिमेडियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जो एक सॉल्यूशन है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर ही आता है. जो लास्ट इवैल्यूएशन है तो ये जो है किसी भी टर्मिनल बिहेवियर को जानने के लिए होता है, रिमेडियल सजेशन के लिए नहीं होता है. इसको कीवर्ड जो प्रोवाइड किया गया है वो है सर्टिफिकेशन. जैसा हमने पहले पढ़ा था कि असेसमेंट सर्टिफिकेशन के लिए जो किया जाता है वो समेटिव असेसमेंट होता है या समेटिव इवैल्यूएशन होता है. ये किसी भी लर्निंग के आफ्टर, मतलब बिल्कुल बाद में कंडक्ट किया जाता है. इसमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है लेकिन उस फीडबैक का मतलब यहाँ पे मॉडिफिकेशन नहीं होता. ये सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि वो बच्चा आगे कभी इन फ्यूचर या नेक्स्ट क्लास में वो गलती ना रिपीट करे. तो लर्नर्स को इसमें सर्टिफिकेट मिलता है और वो एक नेक्स्ट हायर क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हैं. तो काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं इसको अरेंज कराने में. वर्बली भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टेस्ट भी लिया जा सकता है. तो ये जो टेस्ट हैं वो टीचर मेड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं. तो फ्रेंड्स ये थे चार टाइप के टेस्ट. अब उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट स्कॉलिस्टिक और को स्कॉलिस्टिक. फ्रेंड्स असेसमेंट को दो टाइप में बांटा गया है, एक स्कॉलिस्टिक और एक को स्कॉलिस्टिक. स्कॉलिस्टिक जो स्कूल की उसके इंटेलेक्चुअल लेवल यानी कि कॉग्निटिव स्किल्स से रिलेटेड होती है, जबकि को स्कॉलिस्टिक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से रिलेटेड होती है. तो जो भी लर्नर ने एबिलिटीज अचीव की होती है उसका असेसमेंट होता है. मेन गोल देखिए एजुकेशन का क्या होता है, किसी भी बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की हो पाए. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि एक बच्चे के कॉग्निशन ऑफ डेवलपमेंट के साथ साथ उसका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और मॉरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाए. तो देखिए हम स्कॉलिस्टिक असेसमेंट के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है. स्कॉलिस्टिक असेसमेंट रेफर करता है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी किसी भी लर्नर की, जो वेरियस एकेडमिक एक्टिविटीज़ में होती हैं, जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होती हैं, स्कूल में ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं. इसमें जो है सारी एबिलिटीज़ जो उसकी कॉग्निशन से रिलेटेड होती है, जैसे उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसाइज, इवेल्यूशन, क्रिएटिविटी, ये सब उसकी स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ हैं. इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहले टू फोस्टर डिजायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, इवेल्यूएशन एंड द एबिलिटी टू अप्लाई इट इन अनफेमिलियर सिचुएशन, ताकि कोई भी सिचुएशन आए चाहे फैमिलियर हो या अनफेमिलियर हो उसमें बच्चा इन सब चीज़ों से रिलेटेड अपना एक डिजायरेबल बिहेवियर जो है खुद में फोस्टर कर पाए. एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए और स्कूल में फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट दोनों को कंडक्ट किया जाए. तो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट जो होती है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में वो वेरियस सब्जेक्ट में होती है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी एफ ए और एस ए समेटिव असेसमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है. देखिए काफ़ी सारे टूल्स होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, जैसे क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, टेस्ट इन्वेंटरीज, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये सब उसके अंदर आते हैं. जबकि अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, असाइनमेंट की, क्विजेस की, कॉम्पिटिशन, प्रोजेक्ट, डिबेट्स, इवेल्यूएशन, ग्रुप डिस्कशन, क्लब एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, ये सब हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही आते हैं. और उसके बाद अगर हम वेरी शॉर्ट हैं, शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो ये सारे एक तरीका है जिसमें हम असेसमेंट कर सकते हैं स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ का. तो फ्रेंड्स अगर इसके बाद हम देखें तो फ्रेंड्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स से जैसे मैथ, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, ये सब इनसे रिलेटेड होते हैं. अगर हम बात करें स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ की तो ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर बच्चे की ध्यान देते हैं. ये स्कॉलिस्टिक से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ के असेसमेंट में टेक प्लेस भी नहीं कर सकते हैं. तो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट का जो एम होता है वो होता है डिजायरेबल बिहेवियर, जैसे उसका था, बट किस चीज़ में, लर्नर की लाइफ स्किल्स में, उसका एटीट्यूड्स में, इंटरेस्ट में, वैल्यूज़ में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, उसके फिजिकल हेल्थ में, इन सब में एक अचीवमेंट प्रोवाइड की जाए. जबकि लाइफ स्किल का मतलब यहाँ पे क्या है, उसको सेल्फ अवेयरनेस, एम्पथी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैनेजिंग इमोशन, डीलिंग विद स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाएं. अगर हम बात करें एटीट्यूड की तो एटीट्यूड में एक पर्टिकुलर बच्चा एटीट्यूड अपनी टीचर के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो ये सारे स्किल सीख पाए. को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप लिटरेसी और क्रिएटिव स्किल से रिलेटेड साइंटिफिक स्किल होगी, ICT टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, क्लब्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशनल जो स्किल्स होते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, फील्ड विजिट, स्टडी टूर्स, विजिट टू जू, म्यूजियम, NCC, NSS, इनके स्काउटिंग, गाइडिंग, स्विमिंग, जिमनास्टिक, योगा, फर्स्ट एड, गार्डनिंग, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज़ के अंदर आती हैं. तो फ्रेंड्स उसके बाद कुछ असेसमेंट स्ट्रेटजीज़ दे रखी हैं सोशल साइंस में, तो यहाँ पर वो सारी स्ट्रेटजीज़ देखने को मिल रही हैं. फर्स्ट है जो हमारी वो है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन. फ्रेंड्स बाकी सब्जेक्ट की तरह जो सोशल साइंस का कंटेंट है वो भी ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि जो बच्चों को पहले पता हो और जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके.
मतलब उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है और जो नई नॉलेज वो गेन करने वाले हैं, दोनों को आपस में रिलेट किया जा सके। तो फ्रेंड्स देखिए, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, कैसा इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी है जो इंटीग्रेटेड हो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से। उसके बाद टीचर को ये जरूरत है कि एम को अचीव करना, जो भी हम इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे रहे हैं क्या उनके एम को हम अचीव कर भी पा रहे हैं, वो साथ साथ चेक करना, चाहे वो एक फॉर्मल वे में चेक करें या फिर इनफॉर्मल असेसमेंट के थ्रू। तो असेसमेंट को जो है इंटीग्रेट होना चाहिए विद टीचिंग, चाहे वो ऑब्जर्वेशन करे, डिस्कशन करे, नरेशन करे, डिबेट करे, एग्जामिनेशन ले, तो किसी भी टाइप का असेसमेंट जो स्टूडेंट लर्निंग को एनहेंस करे और उनको एक टाइमली जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करे कि बच्चे ने मास्टरी की भी है उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को पाने में या फिर नहीं, या फिर क्या क्या जो है इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो दोबारा जो असेसमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको रीडिज़ाइन करना भी इसी के अंदर आता है। अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें, जब एक सोशल साइंस टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो एक उसका एक पर्टिकुलर एम होना चाहिए कि बच्चे की हमें ऑलराउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, सिर्फ कॉग्निटिव नहीं, अफेक्टिव, साइकोमोटर, सोशल, इमोशनल, इन सब डेवलपमेंट पर बच्चों का ध्यान देना है। कोई भी जो स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन है हम उसको फॉलो ना करें, क्योंकि ऐसे एक ट्रेडिशनली स्टीरियोटाइप में क्या मतलब क्या है इसका कि किसी भी एक डेवलपमेंट को मध्य में रखते हुए पूरी एजुकेशन ना दी जाए। एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए जिसमें ऑलराउंड असेसमेंट हो किसी भी लर्नर का। इसका मतलब क्या है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए एक ही तरीका यूज़ ना करके काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चनियर्स, स्केल्स, चेकलिस्ट, स्केड्यूल्स, डिबेट्स, डिस्कशन, फील्ड विजिट, एनेक्डोट, नरेशन, स्टोरी टेलिंग, राइटिंग। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे आप इवैल्यूएशन कर सकते हो, पोर्टफोलियो यूज़ करा सकते हो, रिफ्लेक्टिव डायरी लिखवा सकते हो। तो असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड्स ऑफ लर्निंग टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सेल्फ, टुवर्ड्स अदर, टुवर्ड्स वेरियस इश्यूज ऑल्सो कम अंडर दस असेसमेंट स्ट्रेटजीज विच आर वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक अच्छी सी समझ वाले हैं, जिससे एक बच्चे का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट होना मस्ट है। नेक्स्ट जो है वो है फ्रेंड्स टर्म एंड एग्जामिनेशन। देखिए टर्म एंड एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, हम एफ ए तो ले ही रहे हैं लेकिन ऐसे का होना भी ज़रूरी है ताकि एक बच्चे को पर्टिकुलर फीडबैक प्रोवाइड हो सके, उसको एक सर्टिफिकेट मिल सके, हम ये देख सकें कि उसने पर्टिकुलर अचीवमेंट मतलब किसी भी ऑब्जेक्टिव में कितनी अचीवमेंट प्राप्त की है। एक डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हम स्कॉलिस्टिक और कोर्स स्कॉलिस्टिक अटेनमेंट का जो इवेल्यूशन है सिर्फ फॉर्मेटिव तरीके से करें, हमें सबमिटिव जो है असेसमेंट को भी लेकर चलना पड़ता है साथ साथ। ये एंड ऑफ द टर्म में यूज़ किए जाते हैं आफ्टर द इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज या प्रोसेस जो भी हम क्लास में यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, रिटर्न है, ऑरल है, और एक पर्टिकुलर फीडबैक यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, सर्टिफिकेशन भी इसके बाद स्टूडेंट्स को मिलता है। अब है फ्रेंड सेल्फ असेसमेंट। देखिए सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट ये भी बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स हैं टू हेल्प द लर्नर्स टू अचीव देयर लर्निंग कॉन्सेप्ट वेरी इजी एंड इन एन इफेक्टिव वे। तो फ्रेंड्स सेल्फ जो असेसमेंट है वो सपोर्ट करती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसमें बच्चे को एक सेल्फ अवेयरनेस आती है, वो खुद से अपने वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, इन सब एरिया को इम्प्रूव करने की मतलब कोशिश करता है जहाँ जहाँ नीडेड हो। तो सेल्फ असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा अपनी अचीवमेंट को समझ पाए, कैसे उसको और गेन करना है। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है एक तरह से असेसमेंट का, ताकि एक इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अचीव हो पाए। और सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हम बच्चे को एनकरेज कर सकते हैं, उसको और परफॉर्म अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी बोल सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि वो अपने ही लेवल को कंपेयर करे, चाहे दूसरों के साथ, चाहे अपने ही कंटेंट के साथ जो उसने लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था। इस तरीके से बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप खुद को इम्प्रूव कर पाएगा। और ये जो हमारा जो असेसमेंट है वो कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविज्म तो वैसे ही एक संरचनात्मक होता है जिसमें बच्चे को एक एकेडमिक अचीवमेंट की खुद से नॉलेज होगी और अपने अकॉर्डिंग वो प्रोग्रेस करेगा। इसी तरह से हमारा जो है पीयर असेसमेंट भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं एक लाइव इंटरेक्शन होता है आपस में पीयर्स का। इसमें क्या होता है टीचर जो है असाइनमेंट्स एक दूसरे बच्चे को ही चेक करने को दे देती है, जिसमें बच्चे आपस में डिस्कस करके एक दूसरे के आंसर्स को मतलब गो थ्रू करते हैं और फिर एक फीडबैक आपस में प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस एक इम्प्रूव होने का बहुत अच्छा एक तरीका निकल आता है और वो स्कोप होता है बच्चों को, ताकि वो एक कॉपरेशन वाली फीलिंग लेकर आ पाए, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट उनमें डेवलप हो। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ही बेस्ड होती है और लर्निंग को एनहेंस भी करती है। ग्रुप असेसमेंट भी एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है, जिसमें बच्चों को हम फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, कम्युनिटी का सर्वे, ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, डिबेट, डिस्कशन ये क्लास में भी करा सकते हैं। तो ये आउटडोर और इनडोर दो तरह से एक्टिविटीज़ हम कराई जा सकती हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक लर्निंग टास्क के लिए बनाए जाते हैं उनको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें बच्चे कॉपरेशन जो है मेन वो सीख पाते हैं, कोलेबरेटिव लर्निंग कर पाते हैं, रिफ्लेक्शन कर पाते हैं अपनी ही की हुई चीज़ों पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ग्रुप असेसमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज़, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड कंपेरिजन ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ द अदर ग्रुप्स ड्यूरिंग द प्रेजेंट। तो काफी एक अच्छी अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर बेस्ड है और लर्निंग को एनहेंस करती है। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो में आप एक बच्चे को पहले तो स्क्रैप फाइल्स भी बोल सकते हो, वो भी एक पोर्टफोलियो का पार्ट है, जिसमें आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कराने से पहले बच्चों को बोल सकते हो कि आप उस पर एक पूरा मतलब गो थ्रू करके आएँ और एक स्क्रैप फाइल प्रिपेयर करें। सपोज आप कोई भी अकबर या बीरबल का कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको खुद से सर्च आउट करने को कह सकते हैं और उसके लिए एक रिगार्डिंग स्क्रैप फाइल बनाने को बोल सकते हैं। तो एक रीसेंट डेवलपमेंट, एक टेक्नोलॉजी या एक तरीका है जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको उनसे रिलेटेड एक डेटा कलेक्ट किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर में। तो ये पोर्टफोलियो जो है वो टीचर अपने पास रखती है, और जब भी कोई असेसमेंट होता है तो उसमें से देखकर क्या क्या बच्चे ने अचीव किया है या कुछ भी है, अच्छे तरीके से उसको असेस किया जाता है और उसके रिगार्डिंग बच्चे को बाद में मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं। तो आप इसमें कोई भी एक एक्टिविटी ले सकते हो, चाहे वो कम्युनिटी से रिलेटेड हो, सोसाइटी से, आर्ट कल्चर हो, इकोनॉमिक्स या डेमोग्राफी या पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट का हो। तो एक ऑथेंटिक बेस जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बच्चा इसमें ग्रैप करता है, खुद से करता है, तो चाइल्ड सेंटर्ड है, जिसमें बच्चे को खुद की हुई चीज़ों पर काफ़ी रिफ्लेक्शन करने का मौका मिल जाता है, और एक तरह से आफ्टर दिस ऑल थिंग तो उसको एक फाइनल सर्टिफिकेशन भी टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जो लास्ट स्ट्रेटेजी है इसमें वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। ये एक तरह का एग्जामिनेशन है जो हमारे जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है तो पर्टिकुलर असेसमेंट ही, जिसमें बच्चा जो है टेक्स्ट बुक को बहुत फॉलो करता है, वो मतलब अलग अलग तरीके से बुक्स को पढ़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर बुक फिक्स नहीं होती, लेकिन सिलेबस फिक्स होता है कि आपको ये टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये ओपन बुक होता है जिसमें आपको कहीं से भी कुछ भी एनालाइज करके आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, जिसमें बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो बहुत डेवलप होता है, उसकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होती है, वो क्वेश्चन को एनालाइज अच्छे से कर पाता है और खुद के पर्सपेक्टिव को, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक पेपर पर कर देता है, क्योंकि रिटर्न फॉर्म में अगर लिया जा रहा है ये ज़रूरी है कि इससे बच्चे का रिटर्न स्किल भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। फ्रेंड्स, अचीवमेंट टेस्ट का प्रिपरेशन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है सोशल साइंस की असेसमेंट में। होता क्या है अचीवमेंट टेस्ट? तो एक तरह से टेस्ट है किसी भी नॉलेज या प्रोफिशिएंसी का जो भी हमने अपनी क्लासरूम में लर्न किया है या फिर टीचर ने हमें सिखाया है। तो इसका एक मेन एम होता है टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स नॉलेज इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया। तो अचीवमेंट टेस्ट को मेजर करते हैं कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी तरीके से या किस तरीके से अपने सब्जेक्ट मैटर को मास्टर किया है इन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो दिस रिक्वायर्स टीचर टू एनालाइज द कंटेंट, प्रोवाइड जुडिशियस रिप्रेजेंटेशन टू ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ द सिलेबस। तो ऑथेंटिक एवेल्युएशन किसी भी लर्नर की परफॉर्मेंस जो होती है वो डिपेंड करती है कि उसको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा मिला है जो टीचर ने प्रिपेयर किया है। तो देखिए, इसको बनाने के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरह का सिस्टमेटिक वर्क है जो बहुत ही प्लानिंग के साथ किया जाता है। तो सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस, ये एक फर्स्ट स्टेप होता है टू प्रिपेयर एन अचीवमेंट टेस्ट, जिसमें टीचर पूरे सोशल साइंस के सिलेबस को काफ़ी यूनिट्स और चैप्टर्स में डिवाइड करती है और आगे इन्हीं यूनिट और चैप्टर को टॉपिक्स और फिर सब टॉपिक्स में डिवाइड करती है। देखिए कैसे कंटेंट एनालिसिस यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर एक टॉपिक है लाइफ विदाउट राइट, उसके बाद उसके सब टॉपिक हैं और फिर कंटेंट पॉइंट कि आपको इनमें से मेन कंटेंट कौन सा लेना है। इसी तरीके से आपको ये पूरा कंटेंट एनालिसिस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अलग अलग राइट में से आप क्या क्या पूछ सकते हो, जैसे राइट टू इक्वालिटी में, रूल ऑफ लॉ ऑफ द डेमोक्रेसी, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन, अनटचेबिलिटी, इसी तरह फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, जो भी हमारे राइट्स हैं सब पे दिया हुआ है। फ्रेंड्स, जब हम कंटेंट का एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद हमें ब्लू प्रिंट रेडी करना होता है। ब्लू प्रिंट को बिफोर राइटिंग द आइटम्स फॉर द टेस्ट रेडी करना पड़ता है। ये एक तरह से 3D चार्ट है जिसमें वेटेज हम कंटेंट को, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह के मार्क्स देने हैं वेटेज। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, चैप्टर, क्लास 9th और टोटल मार्क्स जो भी हैं। तो हमने यहाँ पे वेटेज डिसाइड कर लिया कि लाइफ विदाउट राइट है, राइट इन डेमोक्रेसी है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट, हर एक को 25% मतलब हमने वेटेज यहाँ पे कैरी किया है। उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो भी नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो किस तरह से होंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ आइटम, की ऐसे टाइप क्वेश्चन देने हैं या शॉर्ट आंसर टाइप या ऑब्जेक्टिव, तो सबका जो है हमने मार्क्स क्राइटेरिया डिफाइन कर लिया और यहाँ पे एक पूरी टेबल बना ली है कि जैसे सपोज टॉपिक है हमारा लाइफ विदाउट राइट, उसमें नॉलेज के शॉर्ट आंसर टाइप 1, ऑब्जेक्टिव टाइप भी 5, और उसके बाद जो MCQs टाइप है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का इन्होंने 1 और दे रखा है, लॉन्ग आंसर 1, कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अप्लाई वाले सब्जेक्टिव जो होंगे वो 1 होंगे, स्किल वाले भी 1 होंगे, और जो टोटल जो आइटम्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, फिर लॉन्ग आंसर जो है 1, सब्जेक्टिव जो है वो 3 हो जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे जो है टोटल 6 हो जाएंगे। तो टोटल 25 मार्क्स हमने इसमें डिफाइन किए हैं, ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हो, जिससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का भी आइडिया हो जाएगा और टोटल मार्क्स भी हमें पता चल जाएंगे। ब्लूप्रिंट रेडी करने के बाद हमें ये देखना है कि ऐसे टाइप आइटम्स कैसी होनी चाहिए। ये एक तरह से आर्ट भी है और साइंस भी है। तो देखिए, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप या फिर रिस्ट्रिक्टेड। एक्सटेंडेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रिस्ट्रिक्शन में जबकि आप वर्ड्स की लिमिट रख सकते हो, टाइम की लिमिट रख सकते हो, फ्रेजेस की लिमिट रख सकते हो,
सकते हो। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन काफ़ी लगा दी जाती हैं और एक्सटेंडेड में कोई लिमिट नहीं है, ये फ्री लेंथ की आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे देखिए ऐसे टाइप में फर्स्ट कंटेंट लाइव विदाउट राइट, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉम्प्रिहेंशन एक समझ हो, आइटम्स वाई इज देयर द नीड ऑफ राइट फॉर लिविंग एक्सप्लेन सिटीजन राइट्स इन सऊदी अरेबिया। तो मार्क्स दिखा दिए कि हाफ जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का, दूसरा हाफ भी 5 का। तो इसी तरह से बाकी भी हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं। उसके बाद बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप और फिर ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप की। तो शॉर्ट आंसर टाइप देखिए एक मिडवे होता है ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स का, जिसमें आप लेंथ और वेटेज थोड़ा सा लिमिटेशन के साथ रख सकते हो, जिसमें फ्यू लाइंस हो जाएंगी, सेंटेंसेस हो जाएंगे, पैराग्राफ हो जाएगा, 50 to 100 words तक का आप इनमें कुछ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक जो है टेबल दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हो कि लाइफ विदाउट राइट में नॉलेज, एप्लीकेशन और स्किल्स हैं, तीनों से रिलेटेड कुछ आइटम्स हैं और तीनों के ही मार्क्स जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ऐसे ही बाकी टॉपिक के भी यहाँ कर रखे हैं। उसके बाद फ्रेंड शॉर्ट आंसर टाइप के बाद ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है इसको प्रिपेयर करना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक रिकॉल करना और रिकोगनाइज करना। रिकोगनीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, पहचान करनी है आपको, सपोज MCQs दे दिए तो विच वन इज द राइट यू हैव टू चूज वन समय से। जबकि रिकॉल में आपको क्या होगा, दो टाइप होंगे, सिंपल और कंप्लीशन। कंप्लीशन में आपको जो ब्लैंक दे रखा है उसको फुलफिल करना है, और सिंपल वाले में आपको वन वर्ड आंसर टाइप दिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने ऑब्जेक्टिव टाइप भी डिफाइन कर सकते हो, ये एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ डिफाइन की हुई है कि कैसे आपको कंटेंट एनालाइज करना है, ब्लूप्रिंट रेडी करना है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट, कैसे डिफाइन करना है आप पर्टिकुलर इनका क्राइटेरिया जो है यहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, जिसमें आप ICT को कैसे असेसमेंट और इवेल्यूएशन में यूज़ कर सकते हो। देखिए ICT यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT जो है आजकल हर जगह यूज़ हो रहा है। आप स्कूल लाइफ में इसको करिकुलम को डेवलप करने में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को बनाने में, मैनेज करने में, क्लासेस को, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में यूज़ कर सकते हो। जो फर्स्ट है फ्रेंड्स वो है यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट। तो सोशल साइंस टीचर जो है असाइनमेंट को ईमेल के थ्रू ही बच्चों को सेंड कर सकता है, उसके बाद बच्चों को भी उन्हीं असाइनमेंट का रिस्पांस जो है वो ईमेल के थ्रू ही देने को कहें, ताकि वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। जिससे क्या होगा, बच्चों को मेल का यूज करना आ जाएगा और असाइनमेंट बनाना भी आ जाएगा, चाहे वो MS Office के किसी भी फॉर्मेट पर हो, वर्ड पर, एक्सेल पर, पावर पॉइंट पर। उसके बाद फ्रेंड्स आप ऑडियो और वीडियो मटेरियल का यूज उनसे करवा सकते हो। आप किसी भी टॉपिक पर जैसे जेंडर डायवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस, सोशल कल्चर प्रैक्टिस या आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ भी आप रोल प्ले करवा सकते हो, उनकी पर्टिकुलर वीडियो बनवा सकते हो और बच्चों को कह सकते हो कि मुझे भी किसी साइट के थ्रू भेजी जाए या फिर उसकी एक PPT रेडी की जाए। तो कुछ भी इस तरीके से आप जो बच्चों को ऑडियो और वीडियो मटेरियल का यूज यहां पे करवा सकते हो और उनका इवेल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट है ई-पोर्टफोलियो। जैसे आप पोर्टफोलियो एक स्क्रैप फाइल में बनवाते थे, ऐसे ही आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टफोलियो बनवा सकते हो, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करवा सकते हो। कुछ इमेजेस हो सकती हैं और कुछ भी किसी ऑडियो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, और पर्टिकुलर जैसे वहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता था ऑफलाइन में, ऐसे यहाँ ऑनलाइन में भी बच्चों को एक जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छे तरह से मैनेज किया जा सकता है और एक सपोर्टिव प्लेटफॉर्म है ये आज के इस कोविड टाइम के बाद से। जैसे सबको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कितना यूज़ हुआ है, तो बच्चों को इस तरह से आप इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सब यूज़ कर रहे हैं, फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करने के लिए, रिलेटिव से बातचीत, मतलब कोई भी है किसी तरह से दूर बैठा हुआ पर्सन आपको बिल्कुल पास नजर आएगा विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। इसी तरह से आप इनको एकेडमिक एक्सीलेंस में भी यूज़ कर सकते हो। आप किसी भी सोशल मीडिया पर देखिए, जैसे फेसबुक है, बच्चों ने काफ़ी अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हुए हैं, वहीं पर अपना कंटेंट शेयर करते रहते हैं, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वहाँ अपडेट करते रहते हैं। तो इसी तरह से आप बच्चों को कोई भी रिपोर्ट बनाने को कह सकते हो बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन या फिर उनके एक्सपीरियंस पे। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगा असेसमेंट में, जिससे एक ग्रुप इवेल्यूएशन जो है सोशल साइंस टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकती है। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी, लास्ट है सम अप, दिस यू कैन गो थ्रू बाय योर सेल्फ। तो हमारी तरफ से यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, बाकी नेक्स्ट भी हम जल्दी जल्दी लेकर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।